नमस्कार, हमें रोहित। जैसे कि रोहित पता बा कि लोकसभा के चुनाव होताटे और लगातार नेताजी लोग के बयानबाजी सामने आवताटे। आज हम सब मौजूद बानी सन नव दुर्गा होटल में, जहां पर आज महागठबंधन के अवध बिहारी चौधरी जी के मीटिंग बाटे दरौंदा में। आज हमारे साथ मौजूद बानी चुनावी चर्चा करे खातिर और जयशंकर पंडित जी, माले नेता। जयशंकर पंडित जी, बीजेपी के बयान आवा था कि माले अब जनाधार बचाए खातिर तैयार हो जाओ। सबसे पहले तो रुआ के और चैनल के धन्यवाद बा, पर जितना हमें सुरुदला लोग सुनता जी जी हमारा बात के ऊपर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत बा जी। देखिए, माले के बारे में जो और बीजेपी के लोग कहता जी, तो माले गरीब मजदूर के पार्टी रहल बा जी, और हमेशा से गरीब मजदूर के सेवा करेला। बेचैनी तो लोग के बा भाजपा के लोग के, कि जेकरा के उ लोग प्रत्याशी बना दिले बा NDA से, उ जौन व्यक्ति के अपन चरित्र के बारे में सोचे के चाहिए। जौन व्यक्ति सात सात गो पार्टी बदल दिलस, और उ ऐसा आदमी कहता कि माले के लोग अपन जनाधार बचावे के कोशिश करता, तो माले के तो जनाधार आजे से बहुत सारा लोग बिहार में लोग आए कि माले के खत्म कर दे, माले के जनाधार के खत्म कर दे। माले खत्म भइल, आज पूरा देश के 23 गो स्टेट में माले बा, और मजबूती से देखने कि ना भाजपा के लोग कितना कोशिश कैलो JNU के बर्बाद करे के, कि JNU के खत्म कर दे, औकात बा खत्म करे के। अभी छात्र संघ के चुनाव भइल ह, तो में जेमे BJP केंद्र में सरकार, 10 साल से BJP के केंद्र में सरकार बा, आ JNU में चुनाव भइल ह, तो एको गो सीट भाजपा के मिलल ह। तो माले के ताक, माले के जो लोग बनेला वो अपना विचार पर बनेला, वो भगत सिंह के वारिस है। चाहे जो माले में वो जुड़ जाला, तो माले के जो पार्टी के सदस्यता लेहल जाला, तो कहेला लोग कि हम स्वेच्छा से माले के पार्टी के सदस्य बनतनी, और जीवन पर्यत्रे समाजवाद खाती, समाज खाती, गरीब लोग खाती, मजदूर खाती हम मेहनत करके आगे बढ़ाएं। और ऐसन लोग जो भाषण देता कि माले के जनाधार खत्म होता, वो लोग से पूछल जाओ ना कि माले के जनाधार खत्म होत रहे तो काहे ना विधायक पिछला बार बन गए नहीं, बने के चाहिए नुरा, वो टिकटे छीना गए। तो ऐसे हम सारा लोग जानता कि जो ऐसा दल बदलू आदमी जौन अपना स्वार्थ में, अपना फायदा खाती, अपना लालच में कि हमारा धन के मिलो, कौनो कर्म करे के जौन तैयार व्यक्ति तैयार बा, वो माले पर सवाल उठाई। जौन माले सिवान में दुदू से शहादत दिले बा, चंद्रशेखर जैसन लोग के अपन शहादत दिले बा, जौन देश ना दुनिया के नेता रहले, और वो लोग सवाल उठाता कि माले के जनाधार बचाओ के, तो माले के जनाधार ना, माले अगर जे बन जाला तो लौरा लाखों ना अरबों रुपया लेके आए। तेजी बिहार विधानसभा के जब होत रहल अथी, जब BJP खरीदे के होत रहल, तो BJP लोग अपन अलग लेके भागत रहल, लो नीतीश कुमार अपन अलग लेके भागत रहल। कहियो माले के विधायक के देखनी हो कि कहल जाओ कि हे एगो रूम में रहे के बा, चाहे हे जी चले के बा। तो माले विचार के पार्टी हो, माले शान के पार्टी हो, माले ईमानदार पार्टी हो, माले गरीब के मान सम्मान के लड़े वाला पार्टी हो। तो ऐसे माले पर लोग आरोप मत लगावे, माले अगर बा तो मजबूती से हर परिस्थिति में हर समय मजबूती से खड़ा बा। 90 के जब दशक रहे, तब माले के असली लड़ाई रमेश कुशवाहा जी कहा था कि हम ही लड़नी, सड़क पर आईनी, सड़क पर उतर के वो हम असली लड़ाई लड़ेनी। ई लोग का बतिया, लोग के कोनो अपन विचारधारा बाटे, कोनो विचारधारा नहीं खेलो के। देखिए रो, खेती करें हमने के गांव के किसान है, बड़ी अच्छा से हमने के खेती करें जानी से। जब खेत रोपाला नो तो देखे हम सब लोग धाने रोपेला, लेकिन कुछ में गेड़ुआ मरुआ घास फास ना हो जाला, तो समय के साथे ओकरा के निकाल के फेंकेला, फेंके के पड़ला, काहे कि उ तो हमने के फायदेमंद बा ना। वही तरीका से राजनीतिक दल में बहुत सारा लोग आवेला, लेकिन कुछ लोग अपना स्वार्थ खाती आई, कुछ लोग चाहे कि अपना धन कमा लिया, कुछ लोग चाहे कि मान सम्मान इज्जत कमा लिया। वो गरीब के सेवा करे खातिर ना आई, तो जे गरीब के सेवा करे ना आई तो वो पार्टी में रही, तो ना रहले तो आज कुछ ना कुछ तो कहबे करी हनु। तो मालिक इतना बड़ा मालिक उहे लड़ ले तो काहे भाग गईले, रहे के चाहिए, रहे के चाहिए कि ना रहे के चाहिए, लेकिन भाग गईले, राजद में गईले, जदयू में गईले, फिर जदयू में अले, फिर हम में गईले, फिर पक्का पता ना कहाँ कहाँ गईले। तो जौना व्यक्ति लगे बीचा धारा ना रही तो कुछ ना कुछ कहबे न करी। आय मान ली लड़े वाला व्यक्ति ना हो तो अपना से खूब कहेला कि हम बहुत लड़े वाला व्यक्ति हई, समाज कहे तब न। तो रमेश कुशवाहा ऐसा लोग के पर का बयान देवे के, मतलब के वाह लालची, अपस्वार्थी, भगेड़ू, पैसा के लालची, वैसा लोग बा।
और वैसन लोग के बयान पका बतियाओ के बाद ढेर हमने के राबड़ी देवी से विजयलक्ष्मी के एक बार डिबेट हो जा का कहत है। देखी कुछ लोग कोशिश करेला नु कि हमार बड़का आदमी से तनी बात हो जाइत नु तो हम हाईलाइट हो जाइती कैसे कि हमार जन कैंडिडेट बड़ी राबड़ी देवी से तो बेहतर बड़ी ना ना हम तो उहे कहे के चाहत है नी कुछ लोग कोशिश करेला नु कि बड़ा आदमी से अगर हो जाओ बात तो हम तनी हाईलाइट हो जाए। रमेश के कुशवा के क्यों पूछता सी जिलावा में क्यों ही उन्हें पूछो तुमरा गाँवे के लोग तो कहता कि हमने की यहाँ आग लागो रहे तो ना गईले हमने की यहाँ वैसा घटना भई रहे तो ना गईले हमने की यहाँ सड़क ना बनल तो जब जेकर घर के लोग तो बढ़िया अच्छा से न जानेला गाँव के लोग तो जेकरा बारे में बढ़िया अच्छा से न जानेला तो वह लोग तो विरोध करता और राबड़ी देवी के नाम लेके तो कोशिश करता रहे कि हमारा पत्नी के नाम तनी समाज में उछल जाओ एक सिवा और कुछ नहीं है ना। तो राबड़ी देवी परिस्थिति में एक दौर में मुख्यमंत्री रही बिहार के पूरा नेतृत्व कैली उनकरा के नाम लेहल जाता आज तो रमेश कुशवा तो कह दें कि हमारा लालू यादव से बात कराओ जा तो सब लोग से कराते रहल जाए तू तो अपना के हाईलाइट करे खाती कि हम 2024 के इलेक्शन में हमू लड़ाई में कौना तरीका से आ जाए उ नाम लेकर के और कोशिश करते रहे लड़ाई में आवे के बाकी उनकर कहीं सिवान जिला में केहू पूछत नहीं के कहीं नहीं के पूछ हमने के यहाँ देखो ना हमने के आई रहने से कौन लोग रहे देखने एक दिन पचरुखी पर जात पचरुखी बाजार की ओर तो जात लेते क्यों पूछो वाला रहे तो जब के उके पूछे वाला कहते नहीं कि हमारा पहलवानी में क्यों नहीं खे अभी हाँ जब मान ली कि मैदान में उतरबे ना करें बढ़िया से तो पहलवानी में के रही रो तो खुदे में पहलवानी नहीं की कोई ले कोई मैदान में से भगेड़ू आदमी मानी तो भगेड़ू आदमी तो मूल्यांकन करी नू कि ओकरा लगबे ना करी के ऊ पहलवानी में बड़े लेकिन मजबूत पहलवान ऊ कही ना नू कि हम पहलवान हई उ तो लड़ जब सामने अब तो लड़ के देखा दिए दाब के देखा दी कि असल की पहलवान है जरा अंदर कोनो कुछ ना रहला ना जरा अंदर कोनो ताकत ना रहला उ कहला कि हम बहुत पहलवान है ना कहल जला कि ताकतवर जब आदमी हो जाला नू तो वह आदमी झुक जाला और जे छोट मोट रहला उ खूब उछलेला आज वह हालत बने उनकर रमेश कुशवाहा के कि उनकर लग अपन औकात तो कुछ बा ना अपन बात तो कुछ बा ना कौची पर वोट मांगी लो के कमी नहीं खे ना ना हम पूछा था तो का चीज पर वोट देखी कुशवाहा समाज एकजुट बाटे फिर उसके बाद मोदी जी के गारंटी बाटे 400 के पार बाटे इंडिया के सब एकजुट बाटे एकजुटता दिखाई देते आ यहाँ तक अब 400 के पार बात होताटे तो कहीं ना कहीं मजबूत स्तंभ बानी तबे नु बिहार में तो बिहार में नीतीश कुमार तो गांजा पी के पगलाई रहते तो 400 ना तो 4000 पार कहत रहन तो हम उहे तो पूछत तनी कि 4400 पार कोची पर मोदी जी वादा कैले हर साल 2 करोड़ नौकरी देवे के दहले का वादा कैले रहले कि महंगाई कम करेम कैले का वादा कैले रहे छात्र के बढ़िया शिक्षा देम दहले का वादा कैले रहले कि गैस सिलेंडर के दाम करेम कैले का वादा कैले रहे कि महिला के सुरक्षा करेम कैले का महिला के सुरक्षा के बात होते रहे मणिपुर में नंगा महिला के घुमाओल गई रोजगार के बात होते रहे कोरोना आई तो देश भर के नौजवान के रोजगार छीना गई 400 के सिलेंडर 1200 पहुँच गई तो जब देश में कोनो कामे नहीं के भई तो वोट कावना बात में मंगे तक एगो कोशिश करता रे भाई 405 बा कुछ हमने रोड हमने रोड बनवा दिया बिजली दे दिया पानी दे दिया सड़क दे दिया फ्री राशन दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो हम लेकर आएंगे। ढेर दूर के रोड के हम बात ना करें यही जैसे दुरावंदा से छपरा वाला एगो रोड बनल बा सरकार रोड बनाई तो टोल टैक्स देवे के हमनी के जरूरत काहे पड़ी टोल टैक्स हमनी के देता नहीं सनू यानी प्राइवेट कंपनी वो रोड बनैले भैया और जब ले अपन पैसा उसली ना तले तो के छोड़ी ना तो सरकार के में योगदान बा देश सरकार तो का कोई देश के सारा संसाधन बेच दिलस रेलवे बेचा गई प्लेटफॉर्म बेचा गई तो अमृत महोत्सव से जोड़ल जाता टे वंदे भारत चलावल जाता टे बुलेट ट्रेन के बात होता महाराज कैसे कहते नहीं बेचा गई रेल बेचा गई मूल्यांकन करी कि देश के रेल बेचा गई प्लेटफॉर्म बेचा गईल एयरपोर्ट बेचा गईल एकमा स्टेशन आईसी के अथी बेचा गईल एकमा स्टेशन गईल बनी एकदम गईल बनी 6 गो 7 गो ट्रेन का ठहराव बा ओ जी अमृत महोत्सव से जोड़ो गईल बा एकदम चकाचक स्टेशन बा ओ जी ओही जी जाके देखम नु तो उ स्टेशन में पूरा शौचालय खानी लौके हमने के तो गईल बानी सो देखले बानी सो भाजपा के लोग लगे मीडिया बा उ जितना झूठ बोले बा बोल ले लो राशन से आज देश में राशन के जरूरत काहे पड़ता देश अगर खूब समृद्ध हो गई बा तो 80 करोड़ लोग के राशन देवे के जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं बात में कंट्रेडिक्शन होता
या तो देश समृद्ध नहीं है, और देश समृद्ध अगर बा तो राशन देवे के जरूरत का है पड़ता, एक तो जवाब देवे के चाहिए नो, तो नहीं खेलो देत बात झूठो खान के 400 पार बा। हम कहता नहीं कि देश आज कहता कि भाई हमनी के रोजगार चाही, देश के नौजवान कहता रे रोजगार चाही, छात्र के बढ़िया शिक्षा। अभी केंद्रीय विद्यालय में हमनी के न्यूज 4 दिन पहले से पढ़ने एगो पटना से न्यूज छप रहे कि केंद्रीय विद्यालय के सब डिपार्टमेंट सब अथी में क्लास में 8-8 गो सीट कम, देश के जनसंख्या बढ़ता, नौजवान छात्र बढ़ता रे आ सीट कम होता। तो रोज ना ना मोदी जी कहता नहीं कि हम लोग रोजगार अथी से मतलब उद्यमी से रोजगार पैदा करेंगे, उद्यमी देता रहे मोदी जी कि सब नौजवान जे लोग बा जे छात्र पहले पढ़त रहा ओकरा स्कॉलरशिप मिलत रहा, स्कॉलरशिप से पढ़ के सरकार के सहयोग से पढ़ के अब तो सरकार वैसन कह दिले बा कि सहयोग तो करत नहीं है। छात्र जब छात्र रहता रहे वही बड़ा 5 लाख के कर्जदार हो जाता रहे, जब छात्र के अपन 5 लाख के कर्जदार हो जिहन लेकर के पैसा और नौकरी सरकार दी ना फिर कर्जा दी, तो यानी देश के नौजवान के तो कर्जदार बनावल जाता नो, उद्यमी थोड़े बनावल जाता है। वो तो उकरा बोझ उकरा शरीर पर इतना बोझ पर जो गई कर्ज के कि खाई चाहे ना खाई कर्ज उकरा देवे के बा, इतना नौजवान देश के टेंशन में रहता रहे रोजगार मिलत नहीं है, कर्जदार उल्टे हो गए। अभी रिपोर्ट आई ल कि देश के 80% नौजवान जो 26 साल से ऊपर के बाड़े 80% नौजवान बेरोजगार बाड़े, अब सोची देश कहाँ जाए सरकार अर्थव्यवस्था महाराज बनता है। देखिए झूठे खान को और कुछ कहे के बात तो ना बोल कि भाई 400 पार का हमने के तो कहते 400 पार ना 543 आ जाए अगर पंजाब खानी चुनाव लड़स तो देश के अर्थव्यवस्था अगर झूठे बोले के बा तो कहल जाए चोर होके तो बहुत गोलगोर होके, तो भाजपा के नेता तो चोर गोलगोर बोलने वालों, मोदी जी एकदम सबसे बड़ा गोलगोर बाड़े कि छोट छोट बात के इतना जो बार बोली हन कि वो सच साबित होके लगी, और देश के बड़ा बड़ा मीडिया उनका के बात के सच हमनी के टीवी में देखो तनी सो, तो मोदी के छोड़ के और केहू के बात चलत का, जब विपक्ष के नेता के बातें ना चल हमनी के तो कहत नहीं सर बिहार में हमनी के चुनाव लड़ तनी सर तो 200 यूनिट बिजली फ्री देव सर, हमनी के कहत नहीं सर कि सब नौजवान के जितना नौजवान बढ़े उनका रोजगार हमनी के रोजगार देम सर। चुनाव आयोग के जौन 1 मिनट बीजेपी कहती है कि बाबूजी के जब राज रहे 13-15 साल राज कैले रहे तो बड़ा लंटेन के जमाना रहे और बिजली ना रहो रोड खराब रहो, अभी कहाँ से बिजली दी हैं घर ट्रांसफार्मर बैठे हैं। बिहार में तो भाजपा नीतीश कुमार के सरकार बा, वो लोग कहते 22 घंटा बिजली देते लो सबसे महंगा मिले ला कि ना सबसे बिहार में अगर बिजली दर देखें तो पंजाब यूपी हरियाणा दिल्लियों से महंगा बा, बिहार कोनो डेवलप स्टेट हो का बिहार तो पिछड़ा स्टेट में बा, तब तो का इतना बिजली महंगा मिलेला रोज 10 बजे से शाम 5 बजे ले रोज बिजली कट जाता, 22 घंटा बिजली मिलता, 10 बजे अगर हवा बहे लगल तो बिजली 10 घंटा कट जाई, अगर बारिश होखे लगल तो बिजली कट जाई, अगर आंधी तूफान आवे लगल तो बिजली कट जाई, तो झूठे न बात बा। हमनी के गांव में रहते हैं तो देखो तनी सो रोज हमनी के झेले के भाई काले आंधी आई रहुए मौसम विभाग के अलर्ट भइल कि बिजली खत्म, तो गेजी के लोग तो भाजपा और नीतीश कुमार से त्रस्त बा, उ लोग तो कैसहूँ चाहता कि जी से छुटकारा होके नीतीश कुमार के जो प्रत्याशी बड़े जी से हार के जाओ और इंडिया गठबंधन के जी से जीत के जाओ कि सीवान में भी विकास होके गरीब के मान सम्मान इज्जत होके गरीब के हक अधिकार के लड़ाई लड़ल जाओ, आ ना तो भाजपा जैसे आइल बा और फिर देश के फिर बर्बाद कह के और फिर देश के और ही बर्बाद कर दी, नौजवान के बर्बाद करी, छात्र के बर्बाद करी, महिला के मान सम्मान के खत्म करी, ऐसे हमनी के सीवान में बानी सकी सीवान में इंडिया गठबंधन के जितावे के। अच्छा एगो बात आवता माइनॉरिटी के, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी नाराज चलता टे आरजेडी से पूरा बिहार भर में, माइनॉरिटी कितना लगता कि रोल के साथ है बा? देखिए नाराज नहीं है कहीं रोवा मूल्यांकन करी आज देश पर देश के का हालत बा, भाजपा के लोग कहता कि हमरा अगर 400 सीट मिल जाए तो संविधान खतरा में खत्म कर देम सर, तो बताई जहाँ देश के संविधान खत्म करे के बात होता वो जी माइनॉरिटी से तो माइनॉरिटी तो सोची नू कि देश के संविधान सबसे पहले बा, संविधान ना रही तो का हम बोल हमरा बोले के आज़ादी मिली का, हमरा पढ़े के आज़ादी मिली का, हमरा नौकरी करे के आज़ादी मिली का, समानता में बैठे के आज़ादी मिली, तो सबसे प्रमुखता सवाल बा संविधान,
और यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी बहुत राजनीतिक समाज है, बहुत राजनीति के बारे में सोचे ला लोग, बहुत राजनीति के बारे में समझे ला लोग। ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी कहीं जाए वाला नहीं है, वो देश के बचावे खातिर, संविधान के बचावे खातिर, लोकतंत्र के बचावे खातिर वो लोग इंडिया गठबंधन के वो एक मुस्त अपन वोट दी, समाज में भ्रम फैलावे के कोशिश होता कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है। हमको तो एकदम बिल्कुल बा, एकदम बिल्कुल सब लोग साथ है बा, ऐसे साथ है बा कि देश के संविधान खतरा में बा, देश के संविधान बचाव के, देश रही संविधान रही तब ओ भाजपा हमनी के भाजपा के अगर हटा दिया ही, तब जाकर के आगे जो छोट मोट समस्या हुई ओकरा खातिर आपसी बैठ के हल करके और ओकर निदान निकालल जा सकता। जब संविधाने ना रही, जब देशे ना रही, तो हमनी के कौन स्थिति रही। तो ऐसे सारा मुस्लिम कम्युनिटी एक बा, सारा माइनॉरिटी कम्युनिटी एकदम बिल्कुल रोई चुनाव होके दी, आज आज कल वोटिंग बा पूरा बिहार के चार गो सीट पर, रोवा देखे कि मुस्लिम कम्युनिटी कौना दिशा में जाता, कौना केकरा पक्ष में जा, भाजपा के पक्ष में तो ना जाए। जौन भाजपा उनका कोशिश करता कि देशे से ख़त्म कर दिया, NRC लिया के CAA लिया करके देश ख़त्म करे के कोशिश होता, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी तो अपना बारे में सोची नू। आज देश के लोग से कहल जाओ कि फिर ये देश के नागरिक हो कि ना, तू सर्टिफिकेट दिखाओ, तो भाजपा के से भाजपा तो कहते सर्टिफिकेट दिखाए के जरूरत नहीं है, एमे कोनो प्रकार का व्यवधान नहीं है। ना ना भाजपा तो, भाजपा अच्छा मान ली कि अगर नागरिकता देवे के बात रहे तो खाली पाकिस्ताने के का है, श्रीलंका के लोग के ना मिले के चाहिए, चीन के लोग के ना मिले के चाहिए, नेपाल के लोग के ना मिले के चाहिए, तो सब लोग के मिले के चाहिए नू। हमने के तो कहे अगर नागरिकता देवे के बात बा तो सब लोग के दिया, खाली खाली पाकिस्तानी के लोग के का है, ईसाइय के का है, तो बौद्धों के दिया, सब लोग के दिहल जाओ। अगर राहुल कानून बनाओ तनी और वह सही व्यक्ति बानी जौन देश के सब लोग के एक नज़र समानता के नज़र से देखे वाला बानी, तो सब लोग के दिया, मुस्लिमों जो भी पाकिस्तान में प्रताड़ित हुआ ओकरों के नागरिकता दिया तो काहे ना दिया, बांग्लादेश के में मुस्लिम जो प्रताड़ित हुआ ओकरों के दिया तो ओकरा के ना दिया। यानी रउआ सोच में कहीं ना कहीं रउआ सोच में भी दू कंट्राडिक्शन बा, और सोच में भी झलकता कि रउआ दूसरा व्यक्ति के दूम दर्जा के नागरिक समझौता नहीं कि ऊ हमनी के समानता के बराबर नहीं है। तो ऐसे ही सब मामला लिया कोशिश।